हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ खोया बर्फी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम मार्केट जैसी बनती है। अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और इस टाइम में मार्केट में बहुत ही मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है, तो इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं और ये एकदम परफेक्ट बनती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खोया बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ करीबन 500 ग्राम खोया लिया है। ये हमारा घर पे बनाया हुआ खोया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए अब हम इसकी बना लेते हैं बर्फी। इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें डाल देते हैं खोया, और खोए को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। तो खोया अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं शक्कर। ये करीबन 125 ग्राम है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शक्कर भी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से सेट भी नहीं हो पाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। हमें मावे और शक्कर को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा उबाल आने तक पका लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से खोया बर्फी बनाएंगे तो आपकी एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट खोया बर्फी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, खोए में उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो बस अब हमने कर दिया है गैस को बंद और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तो कढ़ाई को हमने गैस पे से उतार लिया है और अब एक करछी की मदद से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इससे मिठाई अच्छी स्मूथ बनेगी। तो हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है और अब हम इसे अच्छे से फैलाकर 1-2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बर्फी जमाने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट ली है और इसके ऊपर लगा दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केवल घी लगाकर भी बर्फी जमा सकते हैं। तो मावा अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से निकाल लेते हैं और प्लेट में डाल देते हैं। तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं। तो हमने इसे अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है और मावा भी अच्छे से सेट हो गया है, और अब हम इसकी काट लेते हैं बर्फी। तो हमने बर्फियाँ काट ली है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पहले हम कॉर्नर्स की बर्फी निकाल रहे हैं, इससे बर्फी आसानी से निकल जाती है। तो देखिए, बर्फी एकदम परफेक्ट सेट हुई है और ये मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनी है। ऐसे ही हम सारी बर्फियाँ निकाल लेंगे। और इसे हम रख देते हैं प्लेट में। तो हमने सारी बर्फियां निकाल ली है और हमारी खोया बर्फी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।